वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी गर्मी है और सभी बच्चे अलग अलग चैप्टर के लिए कमेंट कर रहे हैं। तो बच्चों, दिन में दो चार वीडियो बनाना आम बात है, बट गर्मी में एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना दैट मीन्स आग में कूद के कुछ भी काम करना है ना। तो आप देख रहे हैं कि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो प्लेन फिगर को आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बेसिक समझा था और अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कितना क्वेश्चन इस वीडियो में होता है। इलेक्ट्रिसिटी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपने कल के वीडियो में देखा था। तो बच्चों, आप हमें कमेंट करें, जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप थोड़ा सा कमेंट, कुछ ना कुछ कुछ वर्ड अपना जरूर उसमें लिखें अगर आपको अच्छा लगता है। और आप हमारे हर एक वीडियो को अगर फॉलो करते हैं तो उससे तो मैं जरूर ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप हमें कमेंट करें। ओके बच्चों, जितने व्यूज रियल हो उतने कमेंट्स भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तब मुझे मजा भी आएगा। चलिए तो एक्सरसाइज 1A शुरू करते हैं, दास गुप्ता गर्जी मैथ से, पेज नंबर M9। पेज नंबर M9 में आपको मिलेगा दास गुप्ता गर्जी मैथ्स बुक के। यही नहीं, ये कॉन्सेप्ट आप कहीं भी अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आप हमें कमेंट में ये भी नहीं लिखा कि नॉइस जो ये इको का साउंड आ रहा है छोटा रूम होने के कारण, तो वो कैसा है, क्या कुछ सुधार होना चाहिए, ये सब भी बताएंगे। तो बच्चों, कह रहा है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज दिस, एरिया फाइंड करना है। बोलिए इसमें क्या है, दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर, वन नंबर का ए नंबर में दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओके, आपसे ए नंबर में पूछा है एरिया, तो आपको पता चल गया है कि साइड का क्या होता है बच्चों, स्क्वायर होता है ना। तो साइड का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 बाय 144, और सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया का यूनिट ही होता है, कोई भी यूनिट में स्क्वायर लगा हुआ। तो आप स्क्वायर अगर छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सेकेंड नंबर पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू क्या होता है 4 into side यानी 4 into 12 यानी 44 मीटर। तो पेरीमीटर का जो होता है यूनिट वो सिंपल होता है सेंटीमीटर, तो ये हो गया। थर्ड नंबर क्या है, कह रहा कि द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल का लेंथ दैट मीन्स डायगोनल का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, √2a होता है। तो √2 और a दैट मींस साइड, तो रूट साइड हो गया, ये क्या हो गया 12√2, और इसमें भी यूनिट क्या होगा बच्चों, सेंटीमीटर होगा। सिर्फ एरिया में स्क्वायर होता है, बाकी जितना भी यूनिट है वो सिंपल यूनिट ही है, टेंशन नहीं लेना है बच्चों। इस एरिया में होता है स्क्वायर और वॉल्यूम में होता है क्यूब, बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं होता है, सिंपल यूनिट ही होता है। तो हमारा 144, देखिए बच्चों ये 12√2 के फॉर्मेट में नहीं है, तो 12 into √2 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा 1.43 होता है ना। ये आपको वैल्यू याद रखना चाहिए, एग्जामिनेशन में देता भी है, अगर नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.43 नहीं होता है, 41 होता है ना। इंटू कर देंगे, सेंटीमीटर। तो आपने देखा ये, तो √2 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1.41 होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और हम लोग जल्दी जल्दी, अब देखिए मैं इतना लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, यही है थोड़ा सा क्या करते हैं फास्ट करना पड़ेगा, आप लैंग्वेज को लिख लेंगे। जैसे मैंने एरिया लिखा तो आपको लिखना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर में अगर कोई फील्ड है तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द फील्ड, समझ आ रहा है ना, वो स्क्वायर में है तो वो नहीं लिखना। तो आप लैंग्वेज अपने से बनाएंगे तो मैं जल्दी से कवर कर पाऊंगा। देखिए कह रहा है कि लेंथ ऑफ, बी नंबर में आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे क्वेश्चन को, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज दिस, आपको देखिए लेंथ ऑफ डायगोनल दे दिया है। बी नंबर में क्या दिया हुआ है बच्चों, लेंथ ऑफ डायगोनल
ए स्क्वायर, क्या स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर बस स्क्वायर इक्वल टू सिक्स रूट, यही है। तो आपसे पूछा है पेरीमीटर और एरिया। देखिए बच्चों आप याद रखिए, पेरीमीटर एरिया डायगोनल, यानी ये बात कि जिसका भी फॉर्मूला होता है अगर उसी का वैल्यू दे दे, बात को नोट करना चाहिए आपको। देखिए बच्चों जिसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं और उसी का वैल्यू अगर गिवन हो, वैल्यू क्या हो, गिवन हो, है ना, तो बहुत ही आसान हो जाता है। आप सबसे पहले उसी का फॉर्मूला बिना सोचे समझे डाटा का यूज करके आप लगा दीजिए, है ना, उससे कुछ ना कुछ आएगा, वो आपका आंसर भले ना हो लेकिन वो बहुत ही यूजफुल रिजल्ट होगा, आप ये समझेंगे। किसका किसका, जिसका भी आप फॉर्मूला जानते हैं और वही अगर दिया, जैसे आप डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं तो और वही वैल्यू दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसी का फॉर्मूला लगा देना चाहिए, दिस इक्वल टू इतना है। तो बोले डायगोनल ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं रूट टू ए होता है, इक्वल टू दिया हुआ है रूट टू। देखिए बच्चों ये रूट टू नीचे चला जाएगा इस तरह से रूट टू, तो रूट टू रूट टू कैंसिल होगा तो क्या हो गया सिक्स सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लगा हुआ था। बोले कोई दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ जो ए आया ना इसका कोई वैल्यू नहीं था, एक बुक में भी मतलब क्वेश्चन में भी आपसे पूछा नहीं था, बट आप पेरीमीटर जब फाइंड करेंगे ना, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप लिखेंगे, मैं पेरीमीटर लिखूंगा तो थ्री ए होता, सॉरी फोर ए होता है और ये ए यहीं से ना पता चलेगा, तो आप जो मैंने वो अभी बताया कॉन्सेप्ट उसको आप नोट करेंगे और यही हो गया आपका, समझ पा रहे हैं आप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे आपका हर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि दूसरा एरिया फाइंड करना है, एरिया कहे या वेरिया कहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है, यानी ए है हमारा 6 का स्क्वायर 36, और आप यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर देना बिल्कुल ना भूलें और आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, दो काम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, पहला सब्सक्राइब करके शेयर करना और दूसरा आपको वैल्यू मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहे तो एरिया में मीटर स्क्वायर, ये देना आपको नहीं भूलना है। तो बच्चों हाँ बच्चों मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्हे लालमोहन, तो आंसर है आपका बहुत ही जालिम आंसर है 24 और 36, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं और भी लिख ही लेता हूँ ना, 14.1 और 100, 14.1 100, मैं पहले आंसर लिख लेता हूँ, बार बार डिस्टर्ब करेगा, 60 21 50 60 नहीं 60 रे बच्चों 60। अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, ये पी नंबर हो गया, चलिए सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40, देखिए फिर वही बात हुआ, आपको सी नंबर में दिया हुआ है पेरीमीटर, आप समझ जाएंगे पेरीमीटर का स्पेलिंग है जो हमने बनाया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 40 दिया हुआ है सेंटीमीटर। बोलिए अभी हमने कहा ना कि पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं क्या, तो हाँ जानते हैं, और उसी का वैल्यू दिया हुआ है क्या, तो बोले हाँ सर दिया हुआ है, तो पहले कुछ नहीं लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा 4a इक्वल टू 40, a इक्वल टू यहाँ से देखिए ऐसे ही मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 10, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गया a दैट में साइड हो गया। अब देखिए अब हम लोग कुछ भी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आप पहले उतना पढ़ लेते हैं इसीलिए तो आपका दिमाग चकरा जाता है। अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल आप जानते ही हैं किसका, स्क्वायर का, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आप लिखेंगे इक्वल टू रूट टू ए, तो रूट टू इंटू 10 दैट इज 10√32, यानी 10 × 1.41 दैट इज 14.1, ये हो गया आपका आंसर। और आप यूनिट नहीं लगाना भूलेंगे, क्या है यूनिट, सेंटीमीटर, अगर आप यूनिट नहीं लगाए तो आपको सही होने पर भी मार्क्स नहीं देगा और आप कुछ नहीं कर सकते। एरिया,
एरिया दैट इज एरिया, एरिया इक्वल टू होता है ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। भूल गए कि आप एक साल के लिए झूल गए, किस पे झूल गए पता है, तारामाची पे। तारामाची समझते हैं, तारा और माची, माची मतलब समझते हैं ना, माची का पर्यायवाची माची। तो आपने सी नंबर भी क्वेश्चन को एंजॉय किया और आप राश एजुकेशन के साथ एंजॉय करते हैं, है ना, पढ़ाई कम एंजॉय ज्यादा, है ना। कह रहा कि एरिया ऑफ स्क्वायर, हम सोचेंगे ही नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर है क्या है बच्चों, स्क्वायर 225 है। तो देखिए एरिया दैट मीन्स इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर इक्वल टू 225, जब स्क्वायर रहे तो उस तरफ जाके 225 का ये हो गया 15 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं ना, ये हो गया। बोलेंगे सर स्क्वायर, तो स्क्वायर नहीं बच्चा क्योंकि ए है। अब क्या पूछ रहा है उसको देखिए, पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर 4 into A 15 into 4 उल्टा हो गया 60 आंसर। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या बच्चा जैसा एक चीज पूछता है लेंथ ऑफ डायगोनल, मैं डायगोनल लिख रहा हूँ, समझ रहा है ना, क्या हो गया बच्चों √2a, √2a मतलब क्या हो गया, √2 into 6 ए कितना है, ए 15 है, ए 15 यानी 15 into 1.41। अब इसको देखिए 15 का 5 60 और 161 6 16 21 12। अंधेरा कायम रहेगा लेकिन फिर भी राश एजुकेशन में पढ़ाई होगा, अंधेरे में भी मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, मैंने अंधेरे में भी आपसे बातें की है। तो बच्चों क्या आप कहेंगे, हाउ इज द जोश, जोश तो बहुत है बहुत। चलिए बच्चों थोड़ा सा ही गिरा लेते हैं क्या, चलिए कहना कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, देखिए पहला क्वेश्चन स्क्वायर बेस्ड था अब रेक्टेंगल बेस्ड होगा। कहना कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज दिस एंड दिस, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हम लिखेंगे सिर्फ लेंथ, आप नहीं लिखेंगे इस तरह से, है ना, आप लैंग्वेज में लिखेंगे 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर, यह हो गया कोई बात नहीं है। कहना दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ, काम किया ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर एंड डायगोनल एंड एरिया, वाह क्या बात है। पहला है पेरीमीटर, हम पी लिख रहे हैं, आप पेरीमीटर लिखेंगे इक्वल टू होता है 2 into L + B, बोलिए क्या हो गया 2 into 16 + 12 यानी हो गया 28 2 into 28 यानी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं पेरीमीटर है तो स्क्वायर कहां से सेंटीमीटर। टू नंबर में कह रहा है, टू नंबर में कह रहा है कहां गया, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो बच्चों डायगोनल किसका, डायगोनल किसका, रेक्टेंगल का, किसका रेक्टेंगल का क्या होता है बोलिए, क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, याद रखिए रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर, तो रूट अंडर एल स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का 144, तो ये हो गया क्या 400, 400 का क्या हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया डायगोनल। तीसरा नंबर एरिया कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल बी यानी 16 into 12 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है हमारा आंसर। ए नंबर का तीनों आंसर निकालने के बाद मैं आपसे गुस्ताखी माफ चाहूंगा और मैं आंसर मैच करना चाहूंगा, 56 2192 मजा आ गया, मजा फिर बिन अब न लेंगे एक विदम खेला खत्म, वाह क्या गाना है। चलिए कह रहा कि बी नंबर में एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, यानी बच्चों टू का बी में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लिख लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, आप राइटिंग समझ जाएंगे है ना, दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो बच्चों आप कुछ भी आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे नहीं। दिया हुआ है आपको एरिया दिया हुआ है और ब्रेथ भी दिया हुआ है सेवन, ब्रेथ भी दिया हुआ है सेवन, ब्रेथ क्या है सेवन सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिया है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया जिधर दिया हुआ हो उसी के नीचे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एल इंटू बी इक्वल टू 63 हो गया। तो एल नहीं पता बट बी पता है 7 इक्वल टू 63। तो एल इक्वल टू क्या इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे ही मैं कटा देता हूँ, क्या हो गया 9, तो 9 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा एल, ये क्या हो गया एरिया दिया हुआ था लेकिन निकल गया क्या हमारा एल, तो एल आपका 9 है। ठीक है चलिए टू नंबर में क्या कह रहा है, टू नंबर में कह रहा है कहाँ गया, टू नंबर में कह रहा है लेंथ हो गया, अब कह रहा है कि पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर निकालिए। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो बच्चों देखिए 2 एल है हमारा अभी जस्ट आया है 9 और प्लस 7 क्या हो गया 2 इंटू 16 यानी 32 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। तो बोलिए मजा आ गया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया कोई बात नहीं मजा आएगा। चलिए कहा है कि पेरीमीटर द सी नंबर में द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। तो बच्चों 2 का सी नंबर में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, क्या दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिया हुआ है, आप लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना इक्वल टू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और क्या कह रहा है सी नंबर में, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू एल इज टू बी इक्वल टू 3:2। आप समझ पा रहे हैं, हाँ आप ये सब लिखेंगे है ना, गर्मी में उतना पेन चलाने का भी मार्कर चलाने का मन नहीं करता है बच्चों, तो आप थोड़ा सा भावनाओं को समझेंगे। चलिए दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल एट एरिया। तो बच्चों पहले देखिए आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है और इसका ये क्या दिया हुआ है रेशियो दिया है। तो बच्चों जब भी रेशियो दिया हो रहे तो लेट एक्स बी द, ये लिखना चाहिए एक्स बी द क्वांटिटी ऑफ द रेशियो, ऑफ द रेशियो ये लिख लेंगे। दैट मींस क्या हो गया, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, ये एल बी का है तो लेंथ इक्वल टू 3x और ब्रेथ इक्वल टू क्या 2x हो जाता है। तो बच्चों अब देखिए आपको मैंने बताया कि पेरीमीटर अगर दिया हुआ है तो उसी का फॉर्मूला लगाते हैं पहले, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, दिया हुआ है 40 तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 40। तो ये हो गया 2, एल है हमारा 3x प्लस 2x इक्वल टू 40। देखिए जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे, ये 5x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 5x इक्वल टू हो गया 20, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4। बच्चों जब x इक्वल टू 4 हो गया और आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, कहाँ गया, भाग जाता है क्वेश्चन, अभी कुछ नहीं कह रहा है, डायगोनल निकालना है। पहले x हो गया तो यहां लिखेंगे नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू आ गया हमारा कितना 4। तो बच्चों हो गया 4 यानी 12 सेंटीमीटर हो गया। उस तरह से ब्रेथ इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर। साधारण इस तरह से जब भी रेशियो दिया हुआ हो तो रेशियो वाले में आप यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हमेशा, रेशियो जब भी हो तो ये रेशियो उसके बाद एक्स क्वांटिटी मानेंगे, फिर इस तरह से हो जाएगा, फिर ये इस तरह से, फिर लेंथ अंतिम में पहले निकालेंगे लेंथ। और तो वन नंबर में कह रहा है डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर है हमारा कितना 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो गया बच्चों 144 प्लस 64 यानी क्या हो गया, ये हो गया हमारा 8 0 208, इस पे रूट तो 208 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 208 है आपका आंसर डेसिमल में आएगा, कैसा कैसा आ जाता है। चलिए 208 को हम लोग इस तरह से फाइंड पेयर करिए 111
वन हो गया वन। ठीक है बच्चों, आप जब इसको कर लेंगे ना तो 14.42 डॉट डॉट इस तरह से आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप हमें कमेंट करेंगे कि अगर आपको डेसिमल का स्क्वायर रूट करना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना, फिर मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। आप समझ पा रहे हैं 208 का आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे डेसिमल में आएगा वही होगा आंसर। ओके चलिए, अब क्या कह रहा है दूसरा, कह रहा है आपको कहाँ गया लेता एरिया कह रहा है, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा एल इंटू बी, तो हो गया बच्चों 12 × 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है, डी नंबर देखिए, टू का डी नंबर क्वेश्चन, टू का डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 300, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिया हुआ है कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देख लीजिए क्या डाटा दिया हुआ है, और दिया हुआ बच्चों लेंथ और ब्रेथ का रेशियो फिर दे दिया है, तो आप समझ पाएंगे ना कि वही सेम चीज लिखेंगे। तो बच्चों लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ इक्वल टू आप लिख लेंगे है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या है 3:2 है, वो ये सारा लैंग्वेज फॉलो करेंगे। तो हम मैं अब डायरेक्ट लिख लेता हूं, अब मेरा मन नहीं कर रहा, बहुत गर्मी लगने लगा, 4x और 3x, तो लेंथ इक्वल टू 4x और ब्रेथ इक्वल टू 3x। तो बच्चों क्या हो गया हमारा, देखिए ये हो गया लेंथ और ब्रेथ, तो एरिया दिया हुआ है तो फिर वही एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू है 300 और लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 300, तो लेंथ हमारा है 4x इंटू 3x यानी 300 हो गया। देखिए बच्चों 4 × 3 = 12 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, क्या हो गया आप समझेंगे, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 300, कितना 300 एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखिए 300/12, ये देखिए 25, एक्स इक्वल टू √25 इक्वल टू क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। बोलेंगे कि सर यहाँ प्लस माइनस जो होता है, तो बच्चों एक्स क्या है हमारा लेंथ का क्वांटिटी है, तो वो निगेटिव कोई लेंथ हो ही नहीं सकता है, इसीलिए आप नहीं घबराएंगे प्लस 5 ही लेंगे, है ना। तो अब फिर देखिए आप समझ पा रहे हैं कि लेंथ क्या हो गया हमारा, इस तरह से लेंथ निकल गया लेंथ इक्वल टू 4x दैट इज 4 × 5 यानी 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 3x यानी 4 × 3 = 12 नहीं 3 × 5 = 50 ये 15 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कह रहा है उसको देखिए, कह रहा कि पेरीमीटर, तो वन नंबर में कह रहा है पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 2 × L + B यानी 2 × L है हमारा 20 + 15 यानी हो गया 35 × 2 = 70, क्या हो गया 70 हो गया। फिर उसी तरह से दूसरा होगा एरिया, क्या होगा एरिया, दूसरा क्या होगा नहीं एरिया नहीं है डायगोनल्स है, क्या है सेकंड नंबर में डायगोनल, तो डायगोनल्स इक्वल टू √L² + B², तो L है हमारा 20² + 15² क्या हो गया 20² = 400 और 15² = 225 यानी हो गया 625 यानी 625 का 25 होता है और यह हो गया आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे, तो दो क्वेश्चन इसे मिल रहा है आपको और आज फिर को एक्सचेंज करने जा रहे हैं, फिर आपको अच्छा वीडियो मिलेगा। और कल संडे है बच्चों, तो कल संडे को क्लास नहीं होगा, मैं आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला हूं, तो आप परेशान नहीं होंगे, मंडे से आपको फिर वीडियो मिलेगा। आज शाम में आप पता नहीं वीडियो आपका आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप धैर्य और संयम का परिचय दें और जितना पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करें, और क्या कर सकते हैं है ना, तो बहुत दिक्कत है, आप देखे होंगे कल का वीडियो में कितना परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए बच्चों आप कमेंट करते हैं अच्छा लगता है, बट इस तरह से आप उतावले ना हो, समझ पा रहे ना, उतावले ना हो, और जल्दी और व्यवस्था कर लेंगे है ना, फिर गर्मी नहीं होगा, फिर फैन लगा रहे हैं वो सक्सेस हुआ नहीं, तो फैन आ जाएगा तो फिर हम कंटिन्यू एक डेढ़ जितना लंबा होगा मैं कूल माइंड से आपको पढ़ाऊंगा है ना, इसीलिए आप समझेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। बाय।